यानी वो पावन धरती जिसके बिना अखंड भारत का स्वरूप पूर्ण नहीं होता। आर्यावर्त के प्रगति चक्र की कहानी बिहार बिना अधूरी है। गंगा और गंडक की गोद में बसे इस प्रदेश के सिर पर मुकुट हिमालय है, तो राजगीर का सौंदर्य इसके सीने का श्रृंगार है। चंद्रगुप्त जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, समुद्रगुप्त जिसका शासन भारत का स्वर्णकाल कहलाता है, सम्राट अशोक का राज चिन्ह आज भी देश का मान बढ़ाता है। बिहार की भूमि ने ही चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य बनाया। तमाम शक्तिशाली शासकों को ताकत बिहार की माटी से ही मिली। इसी तपोभूमि पर गौतम को बुद्धत्व और महावीर को निर्वाण मिला। जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में थी, नालंदा ने पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी। बिहार के लाल और गणित विज्ञान के गुरु आर्यभट्ट ने विश्व को अंतरिक्ष का अर्थ और चांद तारों का रहस्य समझाया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कूटनीति का अमूल्य ज्ञान और राजनीति का निदान बना। सदियों से लेकर आज भी चाणक्य शासन के मार्गदर्शक हैं। आजादी के आंदोलन की मशाल देश भर में फैलने लगी, तो 80 साल के वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 में कमान थामी और अंग्रेजों की चूले हिला दी। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जंगे आजादी का झंडा बरदार बनने वाले महात्मा आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की शक्ल में बिहार नहीं दिया। जब सिस्टम सीमाओं से बाहर पैर पसारने लगा, तो संपूर्ण क्रांति का बिगुल बिहार ने ही बजाया और भारतीय लोकतंत्र में पहली बार सियासत ने जनता जनार्दन की ताकत को समझा। देश ही नहीं, दुनिया बिहारी मेधा और प्रतिभा का लोहा मानती है। देश की तरक्की में अमूल्य योगदान देने वाली ज्ञान की इस धरती को